हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 26 जनवरी। हम लोग का कहीं जाने का बात नहीं था बाहर में, हम लोग बाहर जा रहे घूमने के लिए। तो अचानक से ही प्रोग्राम जो है सेट हुआ है, तो इसकी वजह से जो है हम लोग जल्दी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो है सुबह में ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी जो है दोपहर का खाना भी हम लोग जल्दी खा ले रहे हैं। अभी सिर्फ बज रहा है 12, तो ये घड़ी जो है मेरा बंद है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो अभी 12 बज रहे, तो हम लोग जल्दी जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने आज मछली का और आलू का पतला जो है ग्रेवी बनाया और भात बनाया, बस और कुछ भी नहीं मैंने नहीं बनाया। जल्दी से हमारा खाना भी बन गया, हम लोग बनाना भी हो गया, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग जा रहे रेडी होने का तीर। तो हम लोग अभी जाएंगे घूमने के लिए, नहीं कहाँ जा रहे मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे बताए नहीं है, लेकिन इतना जान रहे कि उनकी बातों से ये पता चला है कि हम लोग शायद कलकत्ते की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी हम लोग जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरह इन्जॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ दिखाने वाली हूँ मैं आज आपको। तो चलिए आप और हम दोनों मिलकर जाए घूमने। तो आज का ये वीडियो शुरू किया जाए। जैसे कि मैंने आप लोग देख रहे हैं कि मैं नहाने के बाद आके मैं नाइटी पहनने के लिए रेडी होंगी। तो मैं जल्दी रेडी हो जाऊंगी एकदम फटाफट। वो लोग जब तक मेरे घर में हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, दोनों बच्चे वो जो है खाना खा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रेडी हुई। आज में लड़की लोग को रेडी होने में थोड़ा देर तो होता ही है, जैसे आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो मैं अभी फटाफट जो है रेडी हो जाऊंगी। गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, तभी जा रहे हैं हम लोग घर में ताला मारेंगे। ताला मारने के बाद उसके बाद हम लोग बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे। चलिए, देर बहुत काफ़ी हो चुकी है और खाना पीने का भी हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। तो घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने लिया था आगे टोटो। टोटो से जो है हम लोग गए आगे बीटी रोड, और बीटी रोड से जो है वहाँ से हम लोगों ने लिया ऑटो, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। हम लोग के यहाँ पर 2 दिन बाद लॉकडाउन भी बार दे रहा है, तो हम लोग बस पे नहीं टोटो से ही हम लोग जाना सेफ समझा। वैसे भी तो घर से भी निकलना चाहिए ही नहीं, लेकिन बच्चों ने जिद किया जिसकी वजह से मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मेरे हस्बैंड खुद बोले कि चलो कहीं से घूर के आएँ। तो यहाँ पर है मेट्रो स्टेशन, तो हम लोग मेट्रो से जाएंगे। आगे हम लोग टोटो से उतरे, उसके बाद ऑटो लिए, ऑटो से उतर के अब हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन इतना ही खूबसूरत है, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखलाऊंगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। असल में इससे पहले मैं एक बार और मेरा पिछला ब्लॉग में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने हम लोग जो मेट्रो से गए थे, तो वो पहला दफ़ा था, उसके बाद ये मेरा दूसरा दफ़ा है। तो मैंने ही कहा लोग वहाँ से यहाँ से चलो। सीढ़ी का डिजाइन कितना अच्छा है, देख लग रहा पानी बरस रहा। चलो चलो जूता साफ करते करते जा रहा। स्टेशन कितना खूबसूरत है, देखा स्टेशन कितना खूबसूरत है। ये जो मार्ट है, ये विक्टोरिया का सामने का ये मार्ट है, बहुत बड़ा मार्ट है, बहुत बड़ा मार्ट है। आप खुद देख सकते हैं कितने दूर दूर तक आदमी जो है आके बैठे हुए हैं। तो कलकत्ता में जो है सब कुछ बंद था, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है भीड़ हुआ था, लेकिन इतना बड़ा मार्ट है, इतना लोग आने के बाद भी फाँका फाँका ही लग रहा है। हम लोग यहाँ पर अपने घर से फल वगैरह जो है हम लोग लाए थे, खाना हम लोग थोड़ा थोड़ा खाए थे, जिसके वजह से हम लोग ये जो है एक्स्ट्रा फल वगैरह जो है हम लोग लेकर आए थे, पानी वगैरह सब, ये हम लोग वहाँ पर बैठ के खाएँगे। तो ये मैं काटती हूँ। यहाँ वहाँ का देखिए सबसे ऊँचा बिल्डिंग है ये कलकत्ता का,
तो यहाँ पर जो है मेरे दोनों बेटे जो है घोड़े पे बैठ रहे हैं, तो उन लोग वहाँ पर घोड़ा भी बहुत सारा था और भी एक चीज़ है, घोड़ा गाड़ी भी है वहाँ पर, मैं आप लोगों को बाद में दिखलाऊंगी। आगे यहाँ पर मार्ट में घोड़ा था और खाने का सामान था, उसके बाद तरह तरह के जो खिलौना बेलूम वगैरह जो वो सब बेचाता था। तो यहाँ पर मेरे दोनों बेटे को जो है मैंने, मतलब मेरे हस्बैंड ने घोड़े पे बैठाया है, तो वो लोग गए हैं घोड़े की सवारी लेने के लिए। ये देखिए वो लोग मस्त घोड़े पे घूर रहे हैं। और बहुत बड़ा मार्ट था यहाँ पर, स्कूटी भी जो है भाड़ा पे दिया जाता था कि कुछ जिसको नहीं आते वो चला सके, तो वो चलाते भी थे वो लोग। यहाँ पर ये देखिए खिलौना जो है बबल्स जो है वो बेचा रहा है, तो बच्चे कितने इंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी बेटा एकदम सबसे पीछे दूर में जो ब्लू पहन के है स्वेटर वो है। तो जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ का मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ कि मतलब कि कितना बड़ा मार्ट है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तब भी वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं विक्टोरिया, तो यहीं पर ही है विक्टोरिया हम लोग देखने। तो ये पूरा बंद है अभी, हम लोग बाहर से ही जो है फ़ोटो वगैरह जो है हम लोग ले रहे हैं, और भी जो आसपास के आदमी थे वो भी ले रहे हैं, फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं सब। तो हम लोगों ने भी इसकी तस्वीर ली है, इसके साथ जो है फ़ोटो खिंचाया। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंजॉय किया है तो वो है मेरा छोटा बेटा। तो ये देखिए विक्टोरिया पूरा एकदम इतना खूबसूरत है, ये सादा पत्थर का बना हुआ है, और नीचे में जो आप छोटे छोटे जो पत्थर देख रहे हैं येलो येलो रंग के, ये बाहर से मंगवाया जाता है, रास्ते के ऊपर में बिछा हुआ है पूरा, वहाँ तक मैंने जहाँ तक कि विक्टोरिया है उसके पीछे भी उसके अगल बगल भी, मतलब बहुत बड़ा ये मार्ट है और बीच में विक्टोरिया बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है। अगर किसी दिन खुलेगा तो मैं आप लोगों को भीतर का भी टूर जरूर करवाएंगी। और ये देखिए यहाँ पर एक का गाड़ी है, या हम लोग पॉपकॉर्न खाने वाले हैं। ये विक्टोरिया देखने के बाद उसी मार्ट में हम लोग फिर से वापस आ गए, और इस मार्ट के ठीक सामने में विक्टोरिया है, तो हम लोग वहाँ पर देख के फिर उसी मार्ट में वापस आ गए हैं। और ये देखिए ये बच्ची जो है मतलब कि इसका उम्र जो है 6 से 7 साल होगा, ये इतना अच्छा वहाँ पर कर्तव्य जो दिखलाती थी, रस्सियों पर चलना, और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह एक छोटे से राउंड जो सर्कल था उसके अंदर से ये डूबकी जा रही है, अपना हाथ घुरा रही है, बहुत बहुत ही अच्छा। और ये रस्सी पे तो इस तरह का करते हुए दिखलाती थी, इस तरह कमाल दिखलाती थी कि सब देख के, इसके वीडियो भी देखिए कितने इंसान जो अपने फ़ोन में वीडियो भी उठा रहा है इसका, और मैंने भी इसे रिकॉर्ड किया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये बच्ची जो है अभी पढ़ने की उम्र में ही अभी से ये काम कर रही है, पता नहीं इसका क्या होने वाला है फ्यूचर में, और मुझे इसका कर्तव्य जो है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप देखिए तो हम लोगों का जो है पूरा मार्ट घूरते घूरते चलते चलते हालत ख़राब हो गया था, सबसे ज़्यादा मेरा छोटा बेटा का हालत ख़राब हो गया था, इसीलिए उसके पापा ने जो है बाबू कैसा लग रहा इतना शुगर का आदमी आता है, कैसा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, मैंने कितना अच्छा लग रहा है।
तो हम लोग का जो है चलते चलते हालत ख़राब हो गया था, तो हम लोग वहाँ से निकल के थोड़े दूर पे चल के ही आए पैदल। और यहाँ पर एक होटल था और इसी होटल में हम लोगों ने कुछ शाम का जो नाश्ता हम लोगों ने किया, जैसे कि चाउमीन हुआ और उसके पापा जो है मछली का कुछ आइटम जो मंगवाए हुए थे, तो वही सब हम लोग मिला के हम लोग चारों गोड़ा ही खाए हैं। तो बस मेरा आज का ये ब्लॉग जो है यहीं तक का था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे पूरे वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपको छू ना रहे। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे ब्लॉग के साथ।